Hey guys, मेरा नाम आकाश, मेरा नाम है राज, और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं डकी भाई के लेटेस्ट वीडियो पे। नहीं, ये वीडियो आके दो दिन हो चुका है, लेकिन इस वीडियो में होने वाले हैं हमारे कैरी मिनाटी, जो कि दो रोस्टर से एक दूसरे से मिलने वाले हैं। तो देखते हैं ये वीडियो। और आकाश ने जैसे हमारे कैरी मिनाटी बोला है, ऐसा लग रहा है बहुत जान पहचान का है, बहुत अपना दोस्त है। हाँ, दोस्त तो नहीं है, लेकिन इंडिया का कैरी मिनाटी और डकी भाई पाकिस्तान का, दोनों कंट्रीज के बिगेस्ट रोस्टर्स के बीच में कोलैबोरेशन है। वेरी एक्साइटेड टू सी दिस। ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में, लेट्स चेक इट आउट। यार मैं पहले से आया था भाई, ये तो बहुत पहले से यार मैं हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार आज तो भाई बहुत एनर्जी आ गई है मेरे अंदर आज। आपके भाई ने भाई दा रोजा रखा था, अभी स्टडी किया मैंने पानी की बोतल से और चाय से। ओए उठ, ओ मरे उठ जा, उठ जा यार, उठ जा यार। एक सेकंड, पैंट पहनी है ना, कंबल नीचे कर रहा हूँ मैं, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इन दोनों का दोस्ती। तो खैर एनीवेज, आज जो है सीन ये है कि भाई कोई सीन बताओ यार लोगों को, करना क्या है भाई। दुबई में सोना ही था तो उधर लाहौर बेहतर नहीं था फिर। तो भाई अभी जो है मैंने एलडी मुकाई है अपनी पिछली वीडियो की, ठीक है। यहाँ पे कुछ चाय वाय बनाई है, ठीक है। तो अभी जो है थोड़ा फ्रेश हुआ, रोजा था भाई दबे मेरा, तो अभी इफ्तारी की है। तो अभी सीन ये है कि भाई रोटी वोटी खाने चलते हैं, और साथ में हमारी कैरी मिनाटी से भी मुलाकात है नाज समित के अंदर। थोड़ा हल्ला गुल्ला उसके साथ भी लगाते हैं। लोगों को मैंने कल वाली वीडियो में कहा था कि भाई सरप्राइज है, तो सरप्राइज यही है। यार अभी है फ्रेश होते हैं, इसको भी फ्रेश करते हैं। पानी फेंक दूं तुम्हारे ऊपर में? ओह नो यार, व्यू देख सकते हो लोग हमारे होटल की खिड़की से। आए आए आए, इतना लंबा टावर, बिल्कुल नीचे जो है एक लेक है, यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत सी वॉक है। तो भाई बड़ा पीसफुल माहौल हुआ इस वक्त। यार वीडियो अभी पोस्ट की नहीं है, यहाँ पे तुम लोग के सामने मैं पब्लिश करने जा रहा हूँ। तो भाई ये वीडियो अपलोड होने जा रही है, ये जहाँ पे तू दुबई में तूने एंट्री की थी ना, ये वीडियो तो खुद ही अपलोड कर दे। चल ये ले आज अपने नदीम मुबारक हाथ से जो है ना पब्लिश कर। रुक जा, चल ऊपर सेव दबा दे। क्या कर रहे हैं चाटा हुए जुबान से तूने पब्लिक किया छोड़ू। तो यार वीडियो पब्लिक हो चुकी है, बस यही काम है यार। सुबह उठो, मुंह धोए बगैर कैमरा खोल लो, रात को एडिटिंग करके सो जाओ, फिर सुबह दोबारा मुंह धोए बगैर कैमरा खोल लो। यही डेली व्लॉगिंग बहुत अपनी जिंदगी के साथ। तो यार इस वक्त हम लोग आए हुए हैं मार्टिन प्रोफेशनल यूएई। तो ये है नैस एकेडमी, नैस के लिए एक यूट्यूबर है, फेसबुकर है, ठीक है, जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं। उसका कोई इवेंट है, ठीक है, और उसकी कोई एकेडमी है यहाँ पे, एक बार देखते हैं भाई। अच्छा वैसे यहाँ पे इतना कुछ है तो नहीं, बस पार्टी शार्टी चल रही है, गेमे शेमे चल रही है, खाना शाना चल रहा है, ठीक है। पानी की बॉटल पकड़ लेता हूँ बस, वापस चलिए यार, इतना कुछ नहीं आया। अच्छा तो बेसिकली जो है ना यहाँ पे आए हुए थे गेस्ट, हम भी गेस्ट ही हैं, अभी बनेंगे, स्पीकर भी बनेंगे, आएंगे स्टेज पे भी आएंगे, टेंशन नहीं लेनी। I'm sure कि यार एक दिन स्टेज पे होंगे अबे, और फिर जो बाकी जो अपना यू नो छोटे मोटे हम जैसे हैं यहाँ पे, खैर है कोई मसला नहीं होता है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। इन चीजों को मैं दिल पे यार मोची है यार, पाकिस्तान में बड़ा लेवल है हमारा, इधर आके जो है ना यार 2-3 million, 3-4 million सब्सक्राइबर कुछ नहीं माने जाते, लेकिन भाई तुम लोगों ने जितना प्यार दिया मेरे लिए तो 3 million भी वही बहुत है भाई मेरे लिए। 3 million Nothing bakchodi happening, I'm khawadi zaleeling right now. But Dilfuza, do you know I got 1 million followers on Instagram, so party's on me. Yes. You want roti shoti, you want daru shari, everything done. Roti shoti to sir, har vlog ka part. ऊपर छत से लेके डंडा आ रहा है सीधा, ठीक है, और इसको चलाते कैसे, हिलाना पड़ेगा शायद, कुछ करना पड़ेगा कल कुछ और ही है। तूने क्या खाना है वैसे? मैं खा रहा हूँ यार चिकन लॉलीपॉप। दिलफुजा व्हाट यू वांट हिम टू ईट? ये वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा कि फैमिली फ्रेंडली। लेकिन जिस तरीके से आई है ना, थोड़ा मुझे मूड मेरा थोड़ा ना डिफरेंट तरीके से हो रहा है, ये नकाल नहीं कैसे इसको इस तरह करना है। ओए होए होए होए, खा के देखते हैं एक बार, मजेदार मजेदार। तो भाई मैंने मंगवाए हैं मछलियाँ, प्रॉन श्रॉन, सब्जियाँ ते आलू ते सॉस, और तुम लोग व्यू वगैरह देख सकते हो भाई, बड़ा जबरदस्त किस्म का लग रहा है। नदीम चूची वाला ने भी ज्वाइन कर लिया है, हिज नेम इज चूची वाला, चूची वाला, ये होटल वापस पहुंच गए। इतना थक चुका हूँ मैं क्योंकि मैं सोया जरा भी नहीं हूँ, ठीक है। तो मुझे कैरी मिनाटी का मैसेज आया कि कहता कि भाई कल इवेंट से पहले थोड़ा हल्ला गुल्ला करते हैं, थोड़ा उसके बाद उसका जो है ना काफी बिजी शेड्यूल है, तो हम लोग
ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे ज्यादा, अभी जो है सो जाते हैं भाई। बिस्तर हमारा रेडी तो नहीं है खैर, लेकिन सो जाते हैं, कल मिलते हैं भाई। 3 hours later कल हम लोग रोटी वोटी खा के जो है ना मैं घर आके सो गया, ये भी अभी उठा है, थोड़ा लेट आया था। तो यार सीन ये है कि अभी हम लोग जाने वाले हैं नाथ समिट, यानी कि तीसरा दिन है आज और आखिरी दिन है। हम लोग पहले 2 दिन काफी बिजी हो गए थे, तुम लोग व्यू देख सकते हो कितना जबरदस्त है भाई। नाश्ता भी मैं ज्यादा नहीं करूंगा, बस ज्यादा से ज्यादा अभी जो है ना यहाँ से मैं कैपुचिनो पकड़ लेता हूँ। तो यार गाड़ी मेरी यहाँ पे पार्क करेगी और हम लोग करवा लेते हैं टैक्सी, क्योंकि जो है ना अभी गाड़ी धो के रखी है यार, चमका के रखी है, तो अभी ना मुझे लाने का दिल कर नहीं रहा। टैक्सी का बिल है यार। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। तो यार अभी हम लोग जाने वाले हैं एड्रेस स्काई व्यू होटल डाउनटाउन में, जहाँ पे हमारा इवेंट हो रहा है। तो यार हम लोग इधर पहुंच चुके हैं, यहाँ पे होने जा रहा है नाथ समिट, अंदर जाके देखते हैं क्या माहौल है भाई। बिल्डिंग तो बड़ी जबरदस्त किस्म की बनी हुई है भाई, बहुत लंबी, और यहाँ से कनेक्ट होती है वापस नीचे आती है। लंच होने वाला है, होने वाला है मतलब सही टाइम पे पहुंचा हूं मैं। पहली लाइन में खड़ा हो जाना, वरना आधा घंटे की क्यू लगेगी, क्योंकि सारे क्रिएटर जो है ना बड़े भूखे। चला आ जा लाइन में लग, टिपिकल देसी लोग, कहते हैं वही रोटी छोटी खुले लगी, आ जा लाइन पे लगे पहले ही। ओए मुझे एक बात बता, ये पानी वगैरह ये जूसेस वगैरह पड़े फ्री है ना? ये पता चल रहा है महंगा पानी है, बड़ी महंगा पानी पता लग रहा है। नल वाला हम लोग पीते हैं, हम लोग पीते हैं बोतलों वाला भाई। ये देखो महंगा पानी है, रेडबुल भी फ्री है, छोड़ूंगा कुछ भाई। मैं तो भी मैं जेबों में डाल लो भाई, मैं तो एक पी लेते हैं दो जेब में डाल लेते हैं। तो यार यहाँ पे हो रहा है इवेंट, तो अपना अंदर जाके देखते हैं क्या माहौल है। कुछ समझ भी आ रही है तुम्हें? यार इंग्लिश में सही बोल रहा होगा। रोटी खुल चुकी है यार, मेरे साथ साथ चलना, थोड़ा कम पी लगूंगा मैं। यार यहाँ पे जो है रोटी छोटी खुली हुई है इस वक्त, हम लोग भी अपनी प्लेट भर लेते हैं। बहुत लंबी लाइन है, एक काम करो हम तीनों में से एक बंदा रहता है, एक ही बार प्लेट भर लो, तीनों मिलके खा लेते हैं भाई। ये हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहाँ से शुरू होती है। नहीं लाइन वहाँ से शुरू हो रही है, वो देख, वो खाना भी वीगन है, चिकन मिलेगा ना? नहीं मिलेगा, मैंने बीफ देखा, दिखने में बीफ सब्जी की। लेकिन मुझे याद है इंडिया में भी मुंबई में जब यूट्यूबर्स का इवेंट हुआ था, मैं गया था तब भी ऐसी लाइन लगा हुआ था खाने के लिए। जैसे शादी शादियों में लगती है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ऐसे लाइन में लगे हुए ऐसा प्लेट लेके। निहारी पहली दफा इंट्रोड्यूस हुई यहाँ पे, असली गोश्त नहीं है, स्कैम हो रहा है हमारे साथ। स्कैम हो गया भाई। कल आया था ना कैरिमिनाटी? हाँ कल मेरी मुलाकात हुई, तो उसने बोला कि हाँ भाई डगी भाई का है। अल्लाह की कसम, कसम से उसने बोला, उसने पूछा अल्लाह तेरा पूछा, कौन नहीं जानता भाई। वो कह रहा है डगी भाई कहाँ है, मैंने बोला डगी भाई जो है वो आ रहे हैं, कह रहा है लेट हो गए यार। अच्छा वल्लाह वल्लाह, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी सर आप। यार मेरे लिए बड़ी बात पता क्यों है? मैंने सीखा बहुत है भाई, मैंने कैरिमिनाटी को देख के शुरू किया, सिंपल सी बात। फाइनली हम लोग लाइन में लग चुके हैं, यहाँ पे खाना वगैरह हम लोग लेने लगे हैं। तो यार ये जो तुम लोगों को शामी कबाब बीफ चपली कबाब लग रहा है, ये कबाब नहीं है भाई जान? ये जो आपको लग रहा है ये बहुत बड़ी दो नंबरी हुई है हमारे साथ। ओए 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 ओए। दोस्त है यार, ये कोई बियर बाइसेप नाम के कोई भाई जान है, इंडिया से हैं। मैं वैसे मैंने सुना है भाई कल आप यकीन करो, मुझे जब पता लगा ना कि आप मेरे दोस्तों से मिले हो, आप यकीन करो आई वाज लाइक निकलो गाड़ी बताओगे। हाँ मुझे पता था, मेरी क्लिप दिखाई है यार, मैं मुलाकात हो गई है ब्रो। यार मैं आपको एक और बात बताऊं, काफी लोग जो है ना ये चीजें मुंह पे शायद ना बोलें, लेकिन ब्रो मैंने अगर YouTube स्टार्ट किया ना तो इट्स बिकॉज़ ऑफ यू। आप यकीन करो, अगर आइडिया हुआ है कि यार देसी लैंग्वेज के अंदर कमेंट्री हो सकती है तो यार इट्स बिकॉज़ ऑफ यू। और मैंने कहा यार ये बंदा इंडिया से है और वो गोरा टाइप लेवल कॉन्टेंट बना रहे, यार मतलब ये चीज पॉसिबल है। इससे पहले मैं थोड़ा टेक वेक वीडियो वगैरह बनाया करता था, तो वो इतना काम नहीं करती, आई थॉट कि देसी कम्युनिटी जो है ना शायद देखना पसंद नहीं करती। बाकी यार हम ना करें टेक मच ऑफ योर टाइम। अरे नहीं ये कोई बात नहीं है भाई, देख अरे सी व्हाटएवर यू सी ऑनलाइन कुछ भी देख ले, जो तू बनाता ना वो है चीज, थैंक यू, जो तुम बनाते हो वो बात है। तुम किसी से भी ले लो, तू पत्थर ले ले भाई, उस पत्थर का तू, तेरे पास पत्थर तो दे दिया तेरे को किसी ने, तू बनाता क्या उस पत्थर का, पूरा मैंने गौर से सुना। नाइस मीटिंग है, ठीक है, थैंक यू सो मच।
गुड लक फॉर एवरीथिंग यू डू भाई, तुम्हें बहुत ऊपर पहुंचाएंगे ठीक है, आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल पहुंचाएंगे, जबरदस्त और कितना ऊपर कर दो। तो यार कैरी भाई से मिल लिया है, बहुत अच्छा लगा है, बहुत हम्बल तरीके से जो है वो मिला है ठीक है, बहुत बड़ा आदमी है यार ऑब्वियसली यार, लेकिन यार उसने टाइम निकाला, बड़ा अच्छा लगा ठीक है, हमने कुछ गप्पे भी लगाई हैं, बड़ी इन्फॉर्मेटिव गप्पे लगाई हैं। अभी हम लोग चलते हैं घर भाई, जनवर बताओ मैं बहुत खुश हूँ, ओ भाई मैं बहुत खुश हूँ यार, वो इस बंदे ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है इन द पास्ट। मैं भी कैरी मिनाटी को थोड़े दूर से मिल चुका हूँ, लाइक वो इधर थोड़े 5 फुट दूर था, मैं उसके सामने ऐसा गया, फिर उधर से साइड से मैं निकल गया, कोई याद नहीं है ऑब्वियसली नहीं, उससे बहुत जन बात करना चाहते थे तो मैं निकल गया साइड, मोटिवेट किया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार, लव यू हो गया, इफ यू आर वाचिंग दिस। अभी हम लोग चलते हैं घर, घरों को चलते हैं यार, बड़ा लेट हो गए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, होटल जाके जो है ना वीडियो एडिट करते हैं, लेवल फोटो आई है कि नहीं, तो यार अपना ख्याल रखना ठीक है, यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दो, अभी के अभी करो लाइक और सब्सक्राइब, मिलते हैं कल। हम लोगों ने जो है ना अपना दुबई का ट्रिप 24 तक एक्सटेंड कर लिया, क्योंकि भाई तला यूनस अंजुम और ये सारे जो है ना कॉन्सर्ट करने आ रहे हैं, ये तो वहाँ पे भी शुगर लगाना है, मिलते हैं डारो को। ओके तो ओरिजिनल लिंक अभी कुछ एंडिंग में आएगा, एक बार चेक कर लेता, नहीं कुछ भी नहीं है, तो ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में जाके सब्सक्राइब कर लो। डकी भाई को किसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो तो बात ही नहीं है, कोई तो नहीं किया बोल के भी फायदा नहीं, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया, हम लोग बोलने से जाके सब्सक्राइब तो नहीं करने वाले, लेकिन स्टिल यार इतना अच्छा कॉन्टेंट अभी डेली बना रहा तो जाके सपोर्ट करो। एंड या कैसा लगा यार, बहुत जबरदस्त वीडियो, और बहुत ही मतलब मैं भी काफी एक्साइटेड था कि ये और क्या बात होने वाली है, मतलब लेकिन जो कैरी मिनाटी ने जो लास्ट में वो बात कही, मतलब पत्थर वाली, वो काफी डीप थी, मतलब बहुत ही डीप था, वो थोड़ा ऐसा मतलब थोड़ा सोच कर देखा ना तो बहुत ही डीप है वो, मैंने इतना फिलोसॉफिकल आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा डकी भाई से रिलेट कर सकता हूँ, डकी भाई बहुत बड़े यूट्यूबर है एक्चुअली, बहुत बड़े, लाइक इतना हम लोग उसके आसपास भी नहीं है, लेकिन स्टिल रिलेट क्यों कर पा रहा था, मैं जब इंडिया के यूट्यूबर्स के जो इवेंट में गया था, उधर जो भी यूट्यूबर्स थे उनसे बात करने में मुझे लाइक मैं भी यूट्यूबर ही हूँ लेकिन उनसे बात करने में ऐसा अजीब लगता है, खाली फुकट उनका टाइम ले रहा हूँ या फिर डिस्टर्ब कर रहा हूँ, क्या किया मैंने कुछ यूट्यूबर से बात, लेकिन ज्यादातर जो 1 मिलियन या फिर उसके आसपास, वो 10 मिलियन 20 मिलियन वाले लोग से बात करने का हिम्मत ही नहीं होता वैसे लगता है, क्योंकि उनके आसपास इतने लोग रहता है, सब जन बात करना चाहते हैं, क्या पता उनके मन में भी ऐसा हो कि वो भी तुमसे बात करना चाहते, नहीं नहीं ऐसा कुछ चांस ही नहीं है, एक बात है मतलब होती है ना कि क्या पता वो भी तुमसे बात करना चाहे, लेकिन कैरी मिनाटी यार और डकी भाई, मैं सच बोलूँ ना तो जैसे कैरी मिनाटी इंडिया के लिए ना, तो डकी भाई वैसे पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल पॉपुलेशन का फर्क है, पॉपुलेशन का फर्क, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन आई थिंक पाकिस्तान से 8 गुना कुछ ज्यादा है, अगर इतना ज्यादा रहता तो डकी भाई का भी 20-25 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, जैसे कैरी मिनाटी का डकी भाई कह रहे थे कि यार बहुत बड़ा यूट्यूबर है, तो मैं भी एक बात कहना चाहूंगा कि यार आप भी कोई छोटे मोटे यूट्यूबर नहीं, आप भी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, आपको इंडिया में नहीं जानता ऐसे कोई नहीं है, आपको बहुत इंडिया में भी बहुत जानता है और पसंद भी किया जाता है डकी भाई को, क्योंकि उनका जो पंजाबी लैंग्वेज वाला जो रोस्टिंग होता है, जैसे उनका ये व्लॉग में भी तरीका है, ऐसा कुछ सीरियस भी बोलते होगे तो ऐसा फनी लगता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है सुनकर, और पर्सनली मैं अपना बताऊँ तो मुझे मजा आता है डकी भाई के व्लॉग देखना, ऑब्वियसली इसलिए तो हम लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं। एंड अगर इसमें ज़्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं, एक्सेप्ट जो हम क्या रिलेट कर सकते हैं वो हम लोग ने डिस्कस किया, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि डकी भाई का बिहाइंड द सीन्स जो अभी उसने ऑन स्क्रीन एक पर्सोना बनाया हुआ था, थोड़ा रूड सबको रोस्ट करता है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स ये भी दिखता है कि वो रियल लाइफ में खुद का ही ज्यादा मजाक उड़ाता है बाकी लोग से ज्यादा, ऑब्वियसली नदीम जो उसका अभी अच्छा दोस्त बन चुका है, पहले वो लोग का कितना क्रॉस था मतलब, और अभी इतने अच्छे दोस्त है, अभी इतने अच्छे दोस्त है मतलब कमाल की बात है, अच्छा लगता है, हाँ लेकिन उससे मस्ती कर रहा है, उसका इंसल्ट कर रहा है, लेकिन स्टिल खुद का ही ज्यादा वो खुद के ऊपर मजाक उड़ा, मतलब डकी भाई के साथ घूमना का तो चाहे कितना भी सामने वाले का मजाक उड़ा ले, तो चाहे हमारा खुद का भी उड़ा ले मजाक, तो ऐसा लगेगा नहीं कि यार इस पे गुस्सा आएगा, या वरना कुछ कुछ लोगों को पे गुस्सा आता है जो मजाक करते हैं सब, लेकिन रूड तरीके से नहीं, बस ऐसे मजाक कर रहा मालूम पड़ जाता है उनके टोन से, तो ही सीम्स लाइक अ रियली फन गाय, जो रोस्टिंग वीडियो से पता नहीं चलता था उतना, लेकिन अभी ये डेली व्लॉग्स की वजह से ये सब हमें देखने मिल रहा है, तो आई एम वेरी ग्लैड कि ये, और कैरी मिनाटी की भी एक बात करूंगा तो कैरी मिनाटी जैसा रोस्टिंग में लगते हैं वैसा बैक स्टेज जैसे देखा, मतलब उनके पास अच्छी बातें भी बहुत है, मतलब होता है ना यार वो खाली कैमरे के सामने कुछ, वो तो एक वो रहता है ना एक अलग, बस वो कैरेक्टर प्ले करना होता है कैमरा के सामने, थोड़ा ज्यादा
करना पड़ता है एंटरटेनमेंट, लेकिन बैकस्टेज वो बहुत दिल का अच्छा है कैरी मिनाटी सीरियसली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, बाय।